सर गर्ल्स एंड बॉयज त्यांची भी सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि सगळे लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावे. चौकशी कुठल्या कुठली शाळा आहे आणि कुठलं कॉलेज आहे? बॉईज प्राथमिक शाळा जिल्हा बीड. आता हिंदीत बोला थोडं. आता कुठली शाळा आहे आणि नेमका काय प्रकार घडला होता आणि तुमची नेमकी मागणी काय बोला हिंदी. मीडिया गर्ल्स हायस्कूल आहे. यहाँ पर 10 सालों से जो चैटिंग का जो प्रकरण चल रहा है कुछ लोग सीपीआई मार्फत एच आई टी मार्फत होना चाहिए. इसमें 8-9 बजे भी हैं और 4-5 टीचर भी हैं और इसमें एक ड्राइंग का एक टीचर है जिसमें 9 बच्चे 9th की बच्ची को प्रेग्नेंट भी किया था और इसमें पूरा स्टाफ गर्ल्स और बॉयज दोनों इसमें इन्वॉल्व है और वहाँ के मीडिया तो हमारा इदारा है मगर वहाँ की गंदगी साफ करना ज़रूरी है और हमने पूरे स्टाफ की भी बात की है उनको भी बोले मगर वो कोई दखल ले रहे नहीं और आज अधिवेशन भी चालू है तो हम खुदारी न्यूज़ के माध्यम से अंबादर दानवे और हमारे मीडिया के आमदार संदीप वैसे से भी गुजारिश करेंगे वहाँ भी आप कहीं ना कहीं से आवाज़ उठाओ अधिवेशन में क्योंकि ये मसला हम लोगों ने बहुत ज़रूरी क्योंकि हमारे बच्चों को फ्यूचर का सवाल है. आज घर से बच्ची जाती है तो माँ बाप डरते हैं कि बच्ची वापस आएंगी कि नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पूरे वैश्य दरिंदे बैठे वाले हैं. हमारे यहाँ एजुकेशन बच्चों का आज नुकसान हो रहा मगर कहने के प्रशासन खामोश है तो इसकी पूरी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है. पेन ड्राइव की फोटोज की हर चीज़ की इंक्वायरी ज़रूरी है और असल में सब में बड़ी बात जो गर्ल्स और बॉयज के जो हेडमास्टर है वो टीचर 20,000 रुपये हफ्ते लेते थे. उनको एक साल दो साल पहले हर चीज़ पता थी. इनके घर के हर एक एक घर के 4-4, 5-5 लोग नौकरी को इन्होंने अभी लगाए और हमारी एक मांगनी है 2019 से लेके आज पर्यंत जितने भी इन्होंने नियुक्ति पत्र दिए नौकरी को लगाए जो शिक्षक हो क्लर्क हो चपरासी हो इनकी सबकी सत्यव्रत यादें हमारे को होना और इसमें बाहर भी जो करें उन्हें बाहर जिस जिसको बाहर भी लगाए सबकी इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है और इसके वजह से असल में इनके इदारे की जितनी बदनामी हुई उससे ज़्यादा हमारे समाज की बदनामी हुई तो इनको समाज की जो बदनामी हुई तो इनको यानी समाज की जो बदनामी इनके वजह से हुई इनको कोई पनिशमेंट उन पर हमारे समाज की तरफ से कुछ केस होना चाहिए. निवेदन भी लेगा आप.